नमस्ते एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पैटर्न एज एन एग्जामिनेशन 2007 अप्रैल पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 1A। योर क्लाइंट 3D ग्राफिक्स इन्वेंटेड अ न्यू सॉफ्टवेयर कोड एंड एन इंजन फॉर द कोड। द कोड कैन बी इधर इम्प्लीमेंटेड ऑन एग्जिस्टिंग इंजिनस टू इम्प्रूव इट्स एफिशियंसी और कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द न्यू इंजिन डिवाइस बाई देम। They wish to get it patented in India as quickly as possible. Advise him the necessary details and the procedure involved to obtain the patent in the minimum possible time. So, the question is in the form of a letter. So, the reply must be in the form of a letter. चलिए देखते हैं आंसर कैसे लिखना है। यहाँ पे क्लाइंट को एड्रेस कर दिए हैं हम लोग मिस्टर और एमएस करके। योर इन्वेंशन विच इज़ रिलेटेड टू अ न्यू सॉफ्टवेयर कोड इज़ अ ग्रेट एंड इनोवेटिव। आई हैव गॉन थ्रू योर टेक्निकल इन्वेंशन एंड आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द पेटेंट एक्ट। वो पर्टिकुलर सेक्शन क्या है? सेक्शन 3K। इसमें कहा जाता है कि सॉफ्टवेयर पर से इज़ नॉट पेटेंटेबल। हैंस हम एडवाइस कर रहे हैं आपको कि इंजन के साथ ही ये सॉफ्टवेयर कोड हम लोग अप्लाई करते हैं पेटेंट के लिए। आइए देखते हैं सेकेंड पार्ट, दैट इज़ द प्रोसीजरल पार्ट। प्रोसीजरल पार्ट बताना है द मेन हेडिंग के थ्रू। पहला आता है फाइलिंग। फाइलिंग हुआ फॉर्म 1 में विथ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इन फॉर्म 2। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन स्टार्ट होगा विथ ए गुड टाइटल। हमें ये भी बताना पड़ेगा मेथड ऑफ परफॉर्मिंग द इन्वेंशन एंड द स्कोप ऑफ इन्वेंशन। क्लेम्स ड्रॉ करना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट देना पड़ेगा हमें, ड्राइंग अगर ज़रूरत है तो, मॉडल और सैंपल अगर कंट्रोलर का रिक्वायरमेंट है तो। डिक्लेरेशन एज टू इन्वेंटरशिप का फॉर्म देना पड़ेगा फॉर्म 5 पे। अर्ली पब्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में हमें पेटेंट को ग्रांट कराना है तो अर्ली पब्लिकेशन के लिए देना पड़ेगा इन फॉर्म 9। एंड रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन आएगा फॉर्म 18। फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट, रिपोर्ट आने के बाद अगर कुछ ऑब्जेक्शन है देन वी हैव टू कंप्लाई विद इन 6 मंथ। ये कहाँ है? ये सेक्शन 21 और रूल 24B में लिखा गया है। सारा एप्लीकेशन इन ऑर्डर में अगर है तो पेटेंट ग्रांट किया जाएगा। तो ये सारा प्रोसीजर हमें लिख के अपने क्लाइंट को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1B। योर क्लाइंट मिस्टर वाइज हैज़ गॉट अ पेटेंट इन इंडिया फॉर ए मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट एक्स। द पेटेंट इज इन फोर्स फ्रॉम 10/1/2004. Your client has improved upon the patented method and seek your advice for protecting the improvement. Suggest him the best and economic way for its protection. Also inform him the necessary fee to be paid for the grant of patent and the maintenance fee for the entire term of patent. आइए देखते हैं आंसर कैसे लिखना है। तो ये एक इम्प्रूवमेंट है, मतलब यू हैव टू फाइल पेटेंट ऑफ एडिशन। कहाँ है? सेक्शन 54 में है। अब आते हैं प्रोसीजर पे। प्रोसीजर का पहला फाइलिंग, पेटेंट ऑफ एडिशन इन फॉर्म 1, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इन फॉर्म 2, एडिशनल क्लेम है तो फॉर्म 2 में ही लिखेंगे। ये बोल्ड में जितने भी स्टेप है सारे लिखने हैं आपको। डिक्लेरेशन एज टू इन्वेंटरशिप, स्टेटमेंट आर अंडरटेकिंग, पब्लिकेशन, रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म 18 में, फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट, अगर रिपोर्ट आता है तो कंप्लाई करना पड़ेगा एज पर रूल 21, उसके बाद पेटेंट ग्रांट हो जाता है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है
मेंटेनेंस फ़ी। मेंटेनेंस फ़ी के लिए पहले जब हम अप्लाई करते हैं तो जो फ़ी रिक्वायर्ड होता है वो 2 साल के लिए होता है, मतलब थर्ड ईयर से हमें रिन्यूअल फ़ी देना है, पर थर्ड ईयर का रिन्यूअल फ़ी हमें सेकेंड ईयर में ही देना है। तो थर्ड ईयर से लेकर सिक्स्थ ईयर तक, मतलब फॉर 4 ईयर्स जो फ़ी है उतना ही देना है जो नॉर्मल फ़ी है। उसके बाद 7 से 10th ईयर तक जो नॉर्मल फ़ी है उसका 3 टाइम्स देना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे 800 है तो 2400 हो गया। उसके बाद 11th ईयर से लेके 15th ईयर तक फीस बहुत ही हाई हो जाता है, डेट इज़ 6 टाइम, और 16 से 20 तक फिर नॉर्मल फ़ी होता है। तो ये जस्ट टू रिमेंबर द हाउ इट इंक्रीजेस, कैसे बढ़ते जाता है फिर कम हो जाता है रिन्यूअल फ़ी। देख लीजिए, बहुत इजी है, समझ में आ जाए तो बहुत इजी है, वो फॉर्मूला यूज़ कीजिए। Question 1C, एन इंडियन रिसर्च स्टूडेंट इन्वेंटेड ए न्यू फॉर्म ऑफ ड्रग फॉर अ स्मॉल पॉक्स। ही क्लेम्स दैट दिस ड्रग इज 30% मोर एफिशियंट देन ऑल अदर अवेलेबल ड्रग। ही विश टू गेट इट पेटेंटेड ओनली इन US। एडवाइस हिम द नेसेसरी प्रोसीजर टू बी कैरीड आउट विद द इंडियन पेटेंट ऑफिस। तो इनको डायरेक्ट US में फाइल करना है विदाउट फाइलिंग इन इंडिया। सो लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर। ये एक आंसर देख सकते हैं, इसको आप लोग बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे सेक्शंस वगैरह का एलिब्रेट करके और बड़े में लिख सकते हैं। आई हैव गॉन थ्रू योर इन्वेंशन एंड नो दैट यू विश टू फाइल पेटेंट एप्लीकेशन डायरेक्टली टू US। यहाँ पे हमें क्या लेना होगा, परमिशन लेना होगा, किससे, कंट्रोलर से। परमिशन अप्लाई होगा इन फॉर्म 25 विद द रिक्विजिट फी देना पड़ेगा। विद इन 21 डेज में एप्लीकेशन डिस्पोज होगा। अगर हम लोग कॉन्ट्रावेंट करते हैं सेक्शन 39 का तो पेटेंट एप्लीकेशन शैल डीम टू बी अबैंडन्ड। अगर पेटेंट ग्रांट भी हुआ है इट विल बी रिवोक्ड अंडर सेक्शन 64। देखते हैं Question 1D। ए पेटेंट इज ग्रांटेड टू MS ग्रीडी लिमिटेड फॉर ए फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए प्रोडक्ट एक्स इन द ईयर 2003। द पेटेंटी इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम बेनिफिट इन्फ्लेट्स द प्राइस, मतलब प्राइस हाई हो गया, एंड सप्लाईज द प्रोडक्शन इन द मार्केट इन अ लिमिटेड क्वान्टिटी, मीन्स सप्लाई इज लेस प्राइस इज हाई। बींग डिस्टर्ब बाई दिस अनजस्ट एक्सप्लोटेशन ऑफ द पेटेंट योर क्लाइंट हु इज इंटरेस्टेड टू मेक एंड मार्केट द प्रोडक्ट अप्रोचेज यू, what provision of the Patent Act would you suggest to them under which they can get a license? Advise your client the necessary procedure to be carried out with the patent office. तो ये क्वेश्चन है कंपल्सरी लाइसेंस के रिगार्डिंग, सेक्शन 84 इसमें डील करता है। 3 ही ग्राउंड है। पहला, रीजनेबल रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक इज नॉट फुलफिल्ड। जैसे यहाँ पे सप्लाई इज लेस एंड प्राइस इज मोर। जो सेकेंड पॉइंट है, ग्राउंड है, पेटेंटेड आर्टिकल इज नॉट अवेलेबल टू द पब्लिक एट अ रीजनेबल अफोर्डेबल प्राइस। तो ground 1 and ground 2 इज एप्लीकेबल हमारे क्वेश्चन में। और थर्ड जो ग्राउंड है, द पेटेंटेड इन्वेंशन इज नॉट वर्क इन इंडिया। एक बार देख लीजिए आंसर फॉर्मेट, सिंपल आंसर फॉर्मेट है। इसके बाद आते हैं प्रोसीजर पे। कंपलसरी लाइसेंस इन फॉर्म 17 में अप्लाई करेंगे विथ रिक्विजिट फी। एप्लीकेशन कैन बी मेड बाय एनी पर्सन इंक्लूडिंग ए होल्डर ऑफ ए लाइसेंस अंडर द पेटेंट। मस्ट हैव अ स्टेटमेंट व्हेन द नेचर ऑफ द एप्लीकेंट इंटरेस्ट शैल बी मेंशन्ड अलोंग विथ अदर फैक्ट्स अपॉन व्हिच द एप्लीकेशन इज बर्ड।
कंट्रोलर कुछ पॉइंट्स को कंसिडरेशन में लेंगे व्हाइल डिसाइडिंग द एप्लीकेशन। क्या है ये सब? चार ही ग्राउंड है, देख लीजिए। A controller, if satisfied that the reasonable requirement of the public with respect to patented invention has not been satisfied, may grant a license on such terms and conditions as deemed fit. Next question देखते हैं। Question 1E. An Indian automobile firm is doing research on a novel brake system which could be completed in another 10 months. They approach you to get a patent in India, Europe and China. Explain him the possible way of getting a patent, the necessary document needed, various fee involved, time period and the various other requirements. Answer dekh lijiye. हम सजेस्ट कर रहे हैं, पहले आप लोकल फाइलिंग कर लीजिए। विद इन 12 मंथ्स हम लोग कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करेंगे और उसके साथ ही कन्वेंशन एप्लीकेशन भी अप्लाई करेंगे फॉर इन यूरोप एंड इन चाइना। दो रूट है, फॉरेन रूट, एक है कन्वेंशन एप्लीकेशन रूट, एक है पीसीटी फाइलिंग रूट। सिंपल एक डायग्राम है कन्वेंशन एप्लीकेशन के लिए। अगर लोकल इंडिया में फाइल होता है विद इन 12 मंथ्स हम लोग कन्वेंशनल कंट्री में फाइल करेंगे एप्लीकेशन। अगर कहीं बाहर कन्वेंशनल एप्लीकेशन हुआ होता है जिसको बेसिक एप्लीकेशन कहते हैं, तो उन्हें अगर इंडिया में फाइल करना होगा तो वो भी विद इन 12 मंथ्स ही फाइल करेंगे। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, जैसे कंप्लीट एप्लीकेशन, प्रायोरिटी डेट, स्टेटमेंट, और कन्वेंशनल एप्लीकेशन कैन नॉट बी पोस्टडेटेड। कुछ एडवांटेजेस है कन्वेंशनल एप्लीकेशन का, आइए जान लेते हैं। जैसे किसी को दो या तीन कंट्री में ही अपना पेटेंट प्रोटेक्शन चाहिए, उनके लिए बहुत ही कन्वीनियंट वे है। सेकेंड, जो कंट्रीज जैसे नॉन सिग्नेटरी है पीसीटी के लिए, वहाँ तो कन्वेंशन एप्लीकेशन ही फाइल करना पड़ेगा, एग्जांपल फॉर पाकिस्तान, नेपाल, और ये एक फास्टर प्रोसेस है। विद इन 12 मंथ ही आप बाहर के कंट्री में अपना पेटेंट प्रोटेक्शन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। पीसीटी फाइलिंग रूट के लिए एक पीसीटी फाइलिंग पीडीएफ अवेलेबल है जो कि आईपी इंडिया के वेबसाइट पे, आप काइंडली उसे डाउनलोड कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। उसमें सब कुछ है, पीसीटी क्या होता है, एडवांटेजेस क्या है, फीस कितने लगते हैं और टाइमलाइन क्या है। ये टाइमलाइन वहीं से लिया गया है, तो वहाँ से देख लीजिए, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है और उसको पढ़ना भी उतना ही ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे उसमें से। Question F. Three students approach you for getting a patent on their novel machine and all three are the applicant and inventor of the machine. Explain to them the right of co-owners of patent. ये direct question है, हमें लिखना है the rights of the co-owner. Section 50 deal करता है right of the co-owner. ये क्या कहता है? दो या दो से ज़्यादा लोग अगर रहते हैं उनको co-owner कहते हैं। उनका जो शेयर होगा वो अनडिवाइडेड शेयर होगा, मतलब इक्वल शेयर मिलेंगे सबको। ये देख लीजिए, ये सेक्शन 1550 के ही सारे ग्राउंड्स हैं। इसको सिंपल वे में लिख दिया गया है, जरूरी नहीं जो सेक्शन में है जैसे हैं एज इट इज आप रिमेंबर करके उसको वैसे ही लिखे, जो आपको समझ में आ रहा है वही लिखिए, बट इट शुड बी इन सिंपल
एंड क्लियर लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू, योर क्लाइंट विशेस टू चेंज देयर नेम टू बायोसेफ फार्मास्यूटिकल्स, नेम चेंजिंग का है। फर्दर दे वांट टू ग्रांट ए लाइसेंस टू अनदर कंपनी, नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस के बारे में हमें लिखना है और लिखना है नेम चेंज के बारे में। आंसर एक बार देख लीजिए। अमेंडमेंट ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन सेक्शन 57, और जो फॉर्म यूज होगा यहाँ पे वो है फॉर्म 13, रिक्विजिट फी देके। नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस के बारे में देखते हैं। नॉन एक्सक्लूसिव मतलब लाइसेंसर के पास राइट है कि वो एन नंबर ऑफ पीपल को लाइसेंस दे सकता है। एक्सक्लूसिव राइट मीन्स यहाँ पे वो सिर्फ एक ही लाइसेंसी को दे सकता है लाइसेंस टू कैरी आउट हिज पेटेंटेड वर्क। अब कुछ हेडिंग्स से देख लेते हैं। पहला है प्रीएम्बल, बैकग्राउंड रिसाइटल, डेफिनेशन यूज होता है जिसमें जो वर्ड बार बार आते हैं उनको लिखा जाता है, टर्म्स एंड कंडीशंस, ग्रांट ऑफ लाइसेंस, कंसिडरेशन एंड फंक्शनल ऑब्लिगेशन, रॉयल्टी भी कहा जाता है इसको, इन्फ्रिंजमेंट, लीगल एक्शन कौन लेगा, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, किस जुरिसडिक्शन में उसको रिजॉल्व किया जाएगा, कैसे होगा, ब्रीच एंड टर्मिनेशन, कोई अगर ब्रीच करता है पर टर्मिनेशन करता है तो कितने दिन का नोटिस देना पड़ेगा, मिसलिनियस ऑफर, ऑफर मतलब सिग्नेचर ब्लॉक जहाँ पे सिग्नेचर करते हैं लाइसेंसर एंड लाइसेंसी। आइए देखते हैं इसको लिखना कैसे है। ये बहुत ही सिंपल तरीके में बनाया गया है, जस्ट टू अंडरस्टैंड देख लीजिए। दिस नॉन एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट इज एंटर्ड इनटू डेट, डेट जिस दिन एग्जाम में जैसे अगर क्वेश्चन आता है उसी दिन का डेट दे दीजिए, बाय एंड बिटवीन पार्टीज का नेम, एक को लाइसेंसर बोलेंगे जो पेटेंटी है और जिनको देंगे उसको लाइसेंसी। जितने भी हेडिंग्स थे सबके हेडिंग्स के ऊपर आप लिख सकते हैं, यहाँ पे सिंपल तरीके में दिखाया गया है। 3% रॉयल्टी के बारे में बात है तो ये कंसिडरेशन हेडिंग के अंदर आएगा। ये एक सिंपल फॉर्मेट है, इसमें लिख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर टू का सेकंड पार्ट भी है, मीन्स इधर यू डू द फर्स्ट वन और द सेकंड वन। सेकंड वन में है आइए देखते हैं कैसे हेल्प करते हैं आंसर में। सैम्पल फॉर्मेट है आंसर का, हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, डेट इज टू नोटिस ऑफ ऑपोजिशन सेक्शन 25 क्लॉज 2 में, फॉर्म 7 में अप्लाई करेंगे विथ रिक्विजिट फी। प्रोसीजरल देख लेते हैं। प्रोसीजरल पार्ट लिखा गया है रूल 55 ए टू रूल 63। रूल बहुत ही इजी होता है पढ़ने में, सो आप लोग रूल देख लीजिए। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ऑन रिसीप्ट ऑफ नोटिस ऑफ ऑपोजिशन कंट्रोलर क्या करेंगे, वो एक ऑपोजिशन बोर्ड बनाएंगे। उस बोर्ड में 3 लोग होंगे, उसमें से एक होंगे चेयरमैन। बोर्ड में एक एग्जामिनर भी होंगे, पर वो एग्जामिनर नहीं होंगे जो पेटेंट एप्लीकेशन के टाइम में एग्जामिन किए थे। स्टेटमेंट भी सबमिट करना होगा
या एविडेंस है स्टेटमेंट के सपोर्ट में, तब जब हम लोग सबमिट करेंगे नेक्स्ट 2 मंथ्स तक हमें वेट करना पड़ेगा कि पेटेंटी क्या रिप्लाई देता है, क्या एविडेंस देता है इन सपोर्ट ऑफ हिज केस। फिर अगर हमें कुछ देना है तो हमें 1 महीने का टाइम मिलेगा जहाँ पे हम एविडेंस फाइल कर सकते हैं इन स्ट्रिक्टली कन्फाइन टू द मैटर। अगर और भी एविडेंस देना है तब परमिशन लेना पड़ेगा कंट्रोलर का। कंट्रोलर सारे डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद और जो रिकमेंडेशन है अपोजिशन बोर्ड को वो कंसिडर करते हुए अपना डिसीजन सुनाएंगे, जो कि नोटिफाई किया जाता है। तो ये था इन नटसेल प्रोसीजर का। रूल्स एक बार पढ़ लीजिए डायरेक्ट बेयर एक्ट से। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ड्राफ्ट कंप्लीट स्पेसिफिकेशन इंक्लूडिंग क्लेम्स, मतलब हमें कंप्लीट स्पेसिफिकेशन बनाना है और क्लेम्स भी लिखना है फॉर फाइलिंग एन पेटेंट एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय योर क्लाइंट। तो सारा इंफॉर्मेशन यहीं पे है, यहीं से हमें पिक करना है सेंटेंसेस पैराग्राफ्स और हमें एक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन बनाना है। तो काइंडली पढ़ लीजिए, ये इन्वेंशन है वॉल टाई के ऊपर। सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसमें एक डायग्राम भी है जो आपको मिल जाएगा आईपी इंडिया के वेबसाइट पे। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके देख सकते हैं आप। आइए देखते हैं अब आंसर। ये सिर्फ समझने के लिए है एक्चुअली वाल्टाई है क्या, पहले जो वाल्टाई था वो कैसा था, वो कमज़ोर था, वीक था, वो बेंड हो जाता था। फिगर 3 में जो वाल्टाई है वो ऑलमोस्ट हमारे डायग्राम के साथ मैच कर रहा है। इस इंस्ट्रूमेंट का इस ज़्यादा यूज़ इंडिया में नहीं होता है, पर ओवरसीज इसको यूज़ किया जाता है। यही है इन्वेंशन, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं जो पहले नहीं था। ये सारे कुछ दिए गए हैं हमारे इन्वेंशन में। इस क्वेश्चन में मैं आंसर नहीं दूंगा, पर आपको बताऊंगा कि लिखते क्या हैं ऐसे क्वेश्चन में कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में। तो देखिए, पहला होता है टाइटल। टाइटल नॉर्मली 15 वर्ड्स का ही होता है, जितना छोटा टाइटल हो उतना अच्छा होता है। फिर होता है फील्ड ऑफ इन्वेंशन, टेक्निकल फील्ड। इसमें क्या लिखना है, स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर और द नेचर ऑफ इन्वेंशन, क्या चीज़ है, मैकेनिकल चीज़ है, इंस्ट्रूमेंट है, क्या है। बैकग्राउंड ऑफ द इन्वेंशन निकला है, पर बैकग्राउंड आर्ट भी कहते हैं इसको। कोई भी एक हेडिंग में आपको लिखना है कि पहले जो इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल था मार्केट में वो कैसा था और उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, हमने जो इन्वेंशन लाया उसमें एडवांटेजेस क्या है। उसके बाद आता है समरी। समरी आपको पता है, ये एक ओवरव्यू ऑफ द इन्वेंशन, छोटे में लिखना है इन ब्रीफ। डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्राइंग, अगर ड्राइंग है तभी आपको डिस्क्रिप्शन देना है ड्राइंग देके। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेंशन, डिस्क्लोजर ऑफ द इन्वेंशन, इसमें सारा वो चीज़ लिखना है जो आपके इन्वेंशन में है, क्योंकि ये डिटेल डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद एप्लीकेबिलिटी के ऊपर लिखना है। उसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, द क्लेम्स। हमें क्लेम्स ड्रॉ करना होता है, मतलब लिखना होता है क्या क्लेम कर रहे हैं हम। द एब्स्ट्रैक्ट, उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट, एक टाइटल होगा, इसमें वर्ड लिमिट होता है 150, ये रूल 13(7) में दिया गया है। डिपोजिशन तभी करना है जब रिक्वायरमेंट है, जैसे बायोलॉजिकल मटेरियल है तब करना है।
सो ये रूल 13(8) में है। मॉडल बस सैंपल ऑप्शनल है, ओनली व्हेन रिक्वायर्ड बाय द कंट्रोलर, अगर कंट्रोलर कहते हैं तभी देना है, नहीं तो नहीं देना है ये सब। आइए इस क्वेश्चन में समझ लेते हैं क्लेम्स के बारे में। क्लेम्स शुरू होता है प्रीएम्बल से, और प्रीएम्बल है एन इंट्रोडक्टरी फ्रेज व्हिच आइडेंटिफाइज द एरिया ऑफ द टेक्नोलॉजी टू व्हिच द इन्वेंशन रिलेट्स। क्लेम्स दो तरह का होते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लेम्स, एक डिपेंडेंट क्लेम्स। इंडिपेंडेंट क्यों? क्योंकि ये स्टैंड ऑन इट्स ओन, ये अपने आप में स्टैंड करता है। इट कवर्स ऑल द सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इन्वेंशन, ये जितने भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है सारे क्लेम वन में ही हम लोग लगा देते हैं। डिपेंडेंट क्लेम किसे कहते हैं? जो कि डिपेंड होता है क्लेम नंबर वन और दूसरे क्लेम पे। इट्स लिमिट्स और नेरो द स्कोप, इट इज़ द क्लेम विच एक्चुअली वर्क्स अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट। क्लेम्स क्यों ड्रॉ करना है? अगर कोई इन्फ्रिंज करता है, थर्ड पार्टी इन्फ्रिंज करता है, तो हमें ये क्लेम्स ही बचाएगा। हम क्या क्लेम किए हैं, हमारा इन्वेंशन क्या है, और उसने जो कॉपी किया है वो हमारे इन्वेंशन से किया है। तो इन्फ्रिंजमेंट अगर होता है तो ये क्लेम्स ही वहाँ पे, इसलिए जब भी हम लोग क्लेम्स ड्रॉ करते हैं तो अगर कोर्ट केस होता है, थर्ड पार्टी केस होता है, कोई इन्फ्रिंज करता है, तो हम उसको कैसे बचाएंगे, इसको हमें माइंड में लेके ही ड्राफ्ट करना होता है। आइए देखते हैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल जो मैं प्रिपेयर किया हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए कि समझ में आ जाए। मतलब एक माउस ट्रैप है, मैंने इन्वेंट किया है। जो माउस ट्रैप होते हैं वो जनरली तार वार के बने होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं, टूट जाते हैं, तो मैंने स्टील का बनाया, ठीक है। तो मैं जब वो माउस ट्रैप बनाया स्टील का, तो फिर मैंने उसको कलर भी किया ब्लैक, क्योंकि स्टेनलेस स्टील है, वो बहुत चमकता है, तो मैंने उसको ब्लैक कलर कर दिया। उसमें मैंने और क्या किया, एक सायरन भी लगाया, जैसे ही चूहा फंस जाता है उसमें तो ये क्या आवाज़ देता है और मुझे पता चल जाता है कि हाँ चूहा फंस गया, मैं साथ ही साथ इसको ले जाके बाहर छोड़ देता हूँ। अब मैं क्लेम ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए क्लेम वन क्या क्या ड्रॉ किया हूँ मैं, ए माउस ट्रैप मेड ऑफ स्टील, एक स्टील से बना हुआ है। सेकेंड, द माउस ट्रैप ऑफ क्लेम वन वेयर इन सेट ट्रैप इज ब्लैक इन कलर। थर्ड, द माउस ट्रैप ऑफ क्लेम वन कंप्राइज ऑफ ए सायरन अटैच टू इट, और जितने भी फीचर्स हैं मैं क्लेम में ऐड करते करते जाऊंगा। 10 क्लेम तक तो हम लोग ड्रॉ कर ही सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल फी। हमें इतना क्लेम क्यों लिखना है, क्वेश्चन ऐसे भी एराइज होते हैं। तो क्या होता है कि कभी एग्जामिनेशन जब होता है हमारा पेटेंट एप्लीकेशन का, तो हम बहुत सारे क्लेम लूज कर जाते हैं बिकॉज ऑफ सम प्रायर आर्ट। जैसे ऑलरेडी कोई किसी ने बनाया है एक माउस ट्रैप जो कि ब्लैक कलर का है, तो मेरा तो क्लेम टू यहाँ से उड़ जाएगा। या ऐसा कोई माउस ट्रैप जिसने भी सायरन लगाया हो, तो क्लेम वन एंड क्लेम टू यहाँ से हट सकता है। तो इसलिए जितना हम लोग क्लेम ड्रॉ करेंगे उतना ही अच्छा होता है कोई एक इन्वेंशन के लिए। क्वेश्चन थ्री आप खुद ट्राई कीजिए। क्वेश्चन थ्री का जो और पार्ट है उसको देखते हैं और उसको प्रैक्टिकली लिख के बताऊंगा मैं कि कैसे करते हैं। तो सेकेंड इन्वेंशन है ये, क्या है, पॉलीमर्स का, सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर्स। आप लोग इसको इन्वेंशन को ठीक से पढ़िए, और पढ़ते कैसे ये भी मैं बताऊंगा। सारा कुछ दिया गया है तो थोड़ा लेंदी है देखने में, तो कुछ नहीं इजी है। आप लोग पढ़िए और चीज़ों को समझिए। अब आते हैं आंसर में डायरेक्ट, इसमें लिखते कैसे हैं। पहले पार्ट में मैंने बता दिया आपको क्या क्या होता है इसमें। अब लिखेंगे पर ऐसे हम लोग एज पर फॉर्म टू, फॉर्म टू में लिखा है द पेटेंट एक्ट 1970, यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग। टाइटल एक देंगे, जैसे पहले वाले में वाल्टाई के ऊपर था, तो स्ट्रॉन्ग वाल्टाई या कुछ आप वैसे टाइटल दे सकते हैं वहाँ पे।
यहाँ पे मैंने सुपर एब्सॉर्बेंट पॉलीमर हिसाब से मैंने इसको टाइटल रखा है। मैंने वहाँ हेडिंग के बारे में बात किया था, अब हेडिंग लिख के उसके अंदर लिखना होता है। अब ये सब जो मैंने लिखा है ये ऑलरेडी है हमारे क्वेश्चन पेपर पे, हमें सिर्फ और सिर्फ मार्क करना है कि टेक्निकल फील्ड ऑफ इन्वेंशन में क्या लिखना है, हमें बैकग्राउंड में क्या लिखना है, बैकग्राउंड जो प्रायर आर्ट है उसके बारे में लिखना है। जब पढ़ते रहेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि ये प्रायर आर्ट के बारे में बोल रहे हैं, हम वहाँ पे उसको ब्रैकेट कर लेंगे कि ये प्रायर आर्ट का चीज़ है। ऑब्जेक्ट क्या है, समरी लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे हम लोग डिटेल्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वेंशन, इसमें सब कुछ लिखना होता है, जितने भी इम्पोर्टेंट फीचर्स है सारे लिखने होंगे डिटेल डिस्क्रिप्शन में। ये सारे अवेलेबल हैं ऑन क्वेश्चन पेपर, सिर्फ मैंने वहाँ से चीज़ें लेके यहाँ पे लगाया है। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ क्लेम्स, तो क्लेम्स क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लेम्स होता है, बाकी सब डिपेंडेंट क्लेम्स होते हैं। यहाँ क्लेम वन में मैंने क्या किया है कि जो कंपोजिशन है सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर का, मैंने वो सारा कंपोजिशन ले लिया है, और भी जो आपको मिलेंगे जैसे ऑर्डर बाइंडिंग सब्सटेंस है, एक डिजस्टिंग एजेंट है, वो लास्ट पार्ट ऑफ दी पैराग्राफ क्वेश्चन पेपर का मिलेगा आपको, तो वहाँ से वो सब चीज़ें आपको लेके क्लेम वन में पुट करना है कि ये सब यूनिक फीचर्स है मेरे इन्वेंशन के जो कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए एज एन इंडिपेंडेंट क्लेम, ताकि कोई दूसरा इन्फ्रिंजर अगर इन्फ्रिंज करता है क्लेम वन में ही वो फंस जाएगा। देखिए क्लेम टू में मैंने क्या किया है, जो सेंट्रीफ्यूज रिटेंशन कैपेसिटी है उसका मैंने यहाँ पे दे रखा है। क्लेम थ्री मैंने ड्रॉ किया है, ये भी आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर पे, आप मेरा आंसर देख लीजिए फिर क्वेश्चन पेपर में देखिए आपको मिलेगा मैंने कहाँ से इसको पिक किया है। आपको इसी तरह 10 क्लेम लिखना है, यहाँ पे देख लीजिए, पॉज करके पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लेम नंबर 7 मैंने ड्रॉ नहीं किया है, यहाँ पे मैं लिखा हूँ आई लेफ्ट सम पार्ट विच कुड बी रिटन इन क्लेम। क्लेम 8 में भी आप 8, 9, 10 आप लोग खुद ड्रॉ कीजिए, इसमें कुछ बातें लिखा हूँ। फर्स्ट अंडरस्टैंड द इन्वेंशन इन सिंपल, क्या है ये इन्वेंशन है क्या, उसके बाद अंडरलाइन कीजिए द सेंटेंस विच कुड बी रिटन एज क्लेम वेल रीडिंग द क्वेश्चन। जब क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे होते हैं उसी समय अंडरलाइन कर लीजिए क्लेम वाले चीज़ें। वेल रीडिंग ए क्वेश्चन ईच पैराग्राफ हैज सम हिंट्स, हर पैराग्राफ कुछ चीज़ें बताता है, जैसे समरी के बारे में है यहाँ पे, उसके बाद जो सेकेंड पैरा है वो बैकग्राउंड प्रायर आर्ट के बारे में है, पैरा थ्री जो है कंपोजिशन ऑफ इन्वेंशन के बारे में है, उसी तरह हर पैरा में कुछ ना कुछ होता है। ज़रूरी नहीं कि हर पैरा में एक ही चीज़ हो, दो पैरा में एक चीज़ भी हो सकते हैं, तो वो आपको पिक करना है, पैरा को इन्वर्टेड कॉमा में मार्क करना है ताकि आप जब लिखेंगे तो आपको हेल्प करेगा वो। उसके बाद आते हैं एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है, कैसे लिखते हैं, एक सेपरेट पेज में, ये नहीं कि यहाँ पे ख़त्म हुआ हाफ पेज पे उसके बाद आप हाफ पेज से एब्स्ट्रैक्ट लिखना शुरू कर दे, नहीं, इसको एक फ्रेश पेज पे ही लिखिएगा आंसर में। इसमें जो टाइटल दिए हैं वो टाइटल से शुरुआत होगा इसका, इसमें वर्ड लिमिट है 150। आप कुछ एब्स्ट्रैक्ट देखिए कि एब्स्ट्रैक्ट लिखते कैसे हैं, कहाँ मिल जाएगा आपको, आप गूगल पे सर्च कीजिए पेटेंट पब्लिकेशन आईपी इंडिया, एंटर कीजिए, आईपी इंडिया के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे पेटेंट, फिर जाइए पब्लिकेशन में, फिर जाइए डाउनलोड में, कोई सा भी एक फाइल डाउनलोड कर लीजिए, मोबाइल में ही खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसमें आप देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट लिखा होगा, कोई एब्स्ट्रैक्ट पढ़िए
दो तीन एब्स्ट्रैक्ट पढ़िए, आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा एब्स्ट्रैक्ट लिखते ऐसे हैं। एब्स्ट्रैक्ट है क्या? ये एक शॉर्ट समरी है जो कि आपके इन्वेंशन का सारा इम्पोर्टेंट फीचर्स रिफ्लेक्ट करता है। वाइपो क्या कहता है? एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ अ पेटेंट डॉक्यूमेंट इज ए कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ इट्स टेक्निकल डिस्क्लोजर। तो ये वाइपो कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट है क्या। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो चुका है, पेपर टू। देखिए बहुत ही इजी है पेपर टू, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक बार दो बार तीन बार, फिर चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे होंगे पेपर टू। पेपर टू बहुत ही इजी है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं अगर कुछ सजेशन है तो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी, थैंक्स अ लॉट।